नमस्ते प्रणाम। हम गरिमा स्वागत करते हैं अपने नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, जहाँ भी हो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने कामों में व्यस्त रहे। तो दोस्तों, कहते हैं कि माँ बाप के प्यार और आशीर्वाद में जितना ताकत है, शायद किसी चीज़ में उतना नहीं है। मेरा मानना है कि माँ बाप, दुनिया का हर एक खुशी मिल जाता है, लेकिन माँ बाप नहीं मिलते हैं। क्योंकि माँ बाप आज हैं, अगर कल नहीं रहेंगे तो उनकी कमी बहुत खलती है। लेकिन हम देखे हैं यूट्यूब पर एक वीडियो, जे जिनके माँ और पापा बहुत रो रहे हैं, उनका बेटा बहुत पीड़ित कर रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा अपने ऊपर भी रख के सोचना चाहिए कि आज अगर हम अपने माँ बाप के साथ में ऐसे कर रहे हैं तो कल मेरे भी बच्चे होंगे, तो अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो कैसा फील होगा। तो दोस्तों, बस आप लोग समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राजा ब्लॉग की, कि जो जिनके पापा और माँ और पापा दोनों लोग हैं, जो बहुत रो रहे हैं, बहुत पीड़ित हैं, जिनको देख करके कसम से कलेजा फट रहा है, दुख हो रहा है। क्योंकि ऐसे नहीं होना चाहिए उनके साथ में। शादी हो गया तो बीबी के आगे माँ बाप को भूल गए राजा बाबू जो हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक औरत जब अपने माँ बनती है, अपने पेट में एक बच्चा पालती है, और कितने दुख दर्द सह करके बच्चे को जन्म देती है, और कितनी खुशी, कितनी अरमान और कितना मतलब सपना ले करके बच्चे की परवरिश करते हैं माँ और बाप दोनों मिल करके बच्चे की परवरिश करते हैं। कुछ खुशी, कुछ तमन्ना, मतलब बहुत कुछ अरमान ले करके बच्चे को परवरिश करके बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, उस लायक बनाते हैं। और जब आगे चलकर वो बच्चा बड़ा हो जाता है और वही बच्चा जब दुख देता है, तो एक माँ और एक बाप के ऊपर क्या बीतता है शायद कोई नहीं समझ सकता। जिसके साथ बीता है वही समझ सकेगा। क्योंकि बच्चे ये नहीं सोचते हैं कि आज अगर हम अपने माँ बाप के साथ में कर रहे हैं तो कल मेरा भी नंबर आ सकता है, हम भी कभी माँ बनेंगे, बाप बनेंगे, तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। लेकिन नहीं सोचते हैं और अपने माँ और बाप के साथ में अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अभी भी सवेरा है, राजा भैया ब्लॉग से हम बोल रहे हैं कि अपने माँ को, अपने बाप को जाइए, हाथ जोड़िए, हाथ जोड़कर माफ़ी मांग करके अपने घर ले आइए। क्योंकि माँ बाप के चरणों में जो स्वर्ग है वो कहीं नहीं है। माँ बाप के प्यार और आशीर्वाद में जितना ताकत है उतना किसी चीज़ में नहीं है। तो आप कुछ समझदार हैं, ऐसा आपको समझना चाहिए, शायद आप नहीं समझ रहे हैं। अब इसके लिए इतने लोग वीडियो भी बना रहे हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मेरी इस वीडियो से क्या ध्यान देंगे। फिर भी मैं अपना राय विचार जो है मैं रख रही हूँ कि माँ बाप को जाइए, हाथ पाँव जोड़िए और माफ़ी मांगिए, और अपने माँ और बाप को घर लेकर आइए, उनको अच्छे से रखिए। क्योंकि माँ और बाप कितने अरमान से आपको पाले होंगे, कितना अरमान से आपको बड़ा किए, पढ़ाए लिखाए, आज इस लायक बनाए, और आप ही उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। तो ऐसा मत करिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि अपने माँ बाप को अपने घर ले आइए, तो बहुत अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा, और जो हुआ उसके भूल जाइए और फिर से अपना जो है अच्छे से जीवन शुरू करिए, मैं यही कहना चाहूँगी। और एक मैडम जी वो जो हैं, अरे बोल रही हैं गोरखपुरिया की, तीन बेटी हैं, उसके भी बेटा नहीं है, तो मैं उनसे बोलना चाहूँगी, अम्बेडकर नगर की जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे मैं बोल रही हूँ। उनकी वीडियो मैंने देखी है, फिर उन्होंने गोरखपुरिया का नाम लिया है। तो एक बात मैडम जी, आप कान खोल कर अच्छे से सुन लीजिए कि बेटी भगवान उन्हीं को देते हैं जिनको पालने की औकात होती है। जिनको पालने की औकात नहीं होती उनको भगवान बेटी नहीं देते हैं, ठीक है। मुझे भी बेटी नहीं दिए, मेरे भी तीन बेटे हैं, बेटी नहीं है, शायद मेरे भी औकात नहीं थी, इसीलिए भगवान ने नहीं दिए। तो इसीलिए आप गोरखपुरिया को बार बार क्यों टारगेट करती हैं? आपको समझाने से समझ में नहीं आ रहा है, समझाने से आपको समझ में नहीं आ रहा है। गोरखपुरिया की बेटी इतनी टैलेंट है, इतनी खूबसूरत है, मतलब हर एक चीज में वो बच्ची जो है आगे है। आप उनको बोल रही हैं, किस्मत होता है जिसके घर में लक्ष्मी होती है, वो भी तीन तीन, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती तीनों उनके घर में वास हैं, क्या बात करती हो आप।
बेटा बेटी की भेदभाव करते, बेटे क्या करते हैं आप हमको बता दीजिए, कंधे पर बिठा के बेटे घुमाते हैं, बेटी बड़ी होती हैं अपने घर चली जाती है फिर भी अपने माँ बाप को नहीं भूलती हैं, लेकिन बेटे शादी होते ही बीवी मिलते ही माँ बाप को साइड कर देते हैं, मैंने बहुत से घर में देखा है। ठीक है, तो अब बेटी होती हैं शादी होने के बाद में भी दूर रहती हैं फिर भी अपने माँ बाप को नहीं भूलती हैं, समझ में आया? तो आप ये बात मत करिए, बेटी जो कर सकती है वो बेटा नहीं कर सकते हैं, तो किसका किसका राय है कि जो बेटी कर सकती है वो बेटा नहीं कर सकते, जरूर हमारे वीडियो देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो बेटी कर सकती है वो बेटा नहीं कर सकता है। और बार बार ये बोल रही हैं, फिर बोली हैं कि उनका तीन बेटी हैं बेटा नहीं है, बेटे क्या करना है, कंधे पे बिठाएंगे बेटे घुमाएंगे? अरे जैसे शादी होगा वैसे दिन गिनेंगे, कितनी जल्दी ये बुढ़िया मरे फुर्सत मिले, बेटी दूर रहती है फिर भी याद करती हैं, समझ में आया बात? नसीब वालों को बेटी देते हैं भगवान, जिनकी पालने की औकात होती है उनको बेटी देती हैं भगवान देते हैं, लेकिन शायद ये आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप एकदम गिर चुकी हैं, एकदम गिरी हुई औरत हैं, आप इतने गंदे गंदे शब्द से बात करती हैं, इतनी गंदी गंदी गाली देती हैं कि बात करना ही बेकार है। कहते नहीं गंदे में ईंटा मारना और आपसे बात करना दोनों बराबर ही है, एकदम गिरी हुई हैं। जब आप एक अभी किसी को बोली हैं, किसको बोली हैं तो मुझे नहीं पता है, बोल रही हैं कि अपने बाप के साथ में, मतलब किसी को बोली है गलत शब्द करके बोली, हम नहीं बोल सकते वो बात, कितना घटिया शब्द बोली है ये बताइए, इनको जरा सा भी शर्म नहीं है कि हम बोल क्या रहे हैं, जरा सा भी शर्म नहीं है, अगर शर्म लाज हया होता तो ऐसा शब्द नहीं बोलती। तो अपने आप को बोल रही हैं जिला अध्यक्ष हैं, अरे क्या बोले, नहीं बोलेंगे हम क्योंकि घटिया नहीं है, आपके जैसे हम घटिया नहीं हैं, इतनी गंदे शब्द का आप प्रयोग करती हैं, समझ में आया? तो मैं जाते जाते फिर एक बार राजा भैया से हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, भैया प्लीज अपने माँ और पापा को ले आइए, सारे जो कुछ भी बात हुआ आगे पीछे सब भूल करके अपने माँ पापा को लाइए, अपने घर में अच्छे से रखिए, इज्जत से रखिए, और आपको बहुत लोग सपोर्ट भी करेंगे, एक माँ बाप के चरणों में जो स्वर्ग है वो कहीं नहीं है। तो दोस्तों मैं जाते जाते आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो सॉरी क्षमा करना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, राधे राधे।